हेलो फ्रेंड्स, आई एम राधा एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुमिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें, काफी सारे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि हम बीटेक करें या फिर बीएससी करें, किसमें करियर स्कोप ज्यादा होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो है हम दोनों के बारे में कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि बीएससी में जो है करियर ऑप्शन ज्यादा होता है या फिर बीटेक में जो है करियर ऑप्शन ज्यादा होता है। तो चलिए, यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें बीटेक के बारे में, तो आप जानते हैं कि बीटेक जो है आपका एक इंजीनियरिंग जो है आपकी डिग्री होती है, यानी कि ये भी जो है आपका एक ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, लेकिन इसका फील्ड जो है अलग होता है, ये इंजीनियरिंग के फील्ड में आता है, यानी कि ये जो है एक टेक्निकल कोर्स होता है। यहीं पर अगर हम बात करें बीएससी की, तो बीएससी जो है आपका नॉन टेक्निकल में आता है, ठीक है। नॉर्मल बहुत सारे बच्चे जो है बीएससी करते हैं, आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो बीएससी भी आपका जो है एक ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, लेकिन ये नॉन टेक्निकल है, और बीटेक जो है आपका टेक्निकल कोर्स है जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है, और ये भी जो है आपको ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। देखिए, यहाँ पर अगर हम बीटेक के बारे में बात करें, इसके फीस के बारे में, तो एवरेज अगर हम बात करें कि अगर आप बीटेक करते हैं, ठीक है, तो 80 से 90 हजार अगर हम प्राइवेट की बात करें तो पर ईयर जो है आपकी फीस इसमें लग जाती है, ठीक है। अप्रोक्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप जो है अगर बीटेक कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आप जो है इसे बिल्कुल जो है एक्यूरेट डाटा मान लें कि 80 या फिर 90 है, ठीक है। यहाँ पर अप्रोक्स की अगर हम बात करें तो इतना जो है आपका पर ईयर की फीस लग जाती है। और आप जानते हैं कि बीटेक जो है ये आपका 4 ईयर का होता है, तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं कि आपका जो है कितना जो है फीस 4 साल का लग सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो लगभग जो है आपका यहाँ पर 4 लाख के आसपास जो है आपकी टोटल फीस की अगर हम बात करें तो इतना जो है आपका खर्चा बैठ जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बीएससी की बात करें, तो बीएससी के फीस के बारे में बात करें, अगर आप जो है नॉर्मल कॉलेज से करते हैं, प्राइवेट से अगर आप कर रहे हैं, तो प्राइवेट से अगर हम फीस की बात करें तो 20 से 30 जो है इसमें अप्रोक्स आपका जो है पर ईयर की फीस इसमें भी लगती है, ठीक है। और जो आपका बीएससी होता है ये आपका 3 साल का होता है, तो इस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं, 20 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 20 से 60 जो है आपका टोटल 3 साल का जो है इसमें आपका फीस जो है लग सकता है। लेकिन यहीं पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, बीएससी अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो 2 से 3 हजार में ही जो है आपकी फीस जो है इतनी लगती है, ठीक है। उतने में जो है कम से कम फीस में जो है आप बीएससी जो है कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर ये सारी चीजें बताने का जो हमारा मकसद है ये क्या है कि अगर आप जो है बीटेक करते हैं तो बीटेक जो है एक अच्छा कोर्स है, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप जो है बीटेक करें, ठीक है। ये एक टेक्निकल कोर्स है, टेक्निकल के बेसिस पर आप किसी भी जो है टेक्निकल कंपनी में जो है जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल बीएससी के बिहाफ पर अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, एक अच्छी खासी अगर आपको जॉब मिल जाए, तो ये नामुमकिन होता है कि आपको बीएससी के बेसिस पर जो है एक अच्छी खासी जो है अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिल पाए, ठीक है। तो अगर ये जो है उन बच्चों के लिए है जो ये केवल समझते हैं कि बीएससी करने के बाद हमारे पास जो है कोई भी करियर ऑप्शन नहीं होता है, हम जो है बीटेक कर लेते हैं, बीटेक के बाद करियर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि हम जो है बीटेक कर लिए हैं, बीटेक के बाद जो है हम बीएड करना चाहते हैं या फिर डीएलएड करना चाहते हैं तो कैसे करें, या फिर जो है हम जो है मान लीजिए प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं बीटेक के बाद, बीटेक कर लिए हैं, एमएससी करना चाहते हैं मैथ से, तो हम कैसे करें। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट करते हैं बीटेक वाले, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीटेक के बाद जो है करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा होता है या फिर बहुत कम होता है। अगर आप जो है बीएससी कर रहे हैं और बीएससी के साथ साथ आपको क्या करना होगा ताकि आपके पास जो है आपका जो करियर ऑप्शन हो वो काफी बेहतर हो, तो बीएससी के साथ साथ आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप केवल बीएससी कर रहे हैं वो भी बिल्कुल मनमौजी तरीके से, केवल एडमिशन आपने ले लिया है, एग्जाम दे दिए, लेकिन आपने बीएससी का मतलब नहीं समझा, ठीक है, बीएससी में क्या क्या चीजें हैं आपने वो चीज पढ़ा नहीं, तो आपके लिए बीएससी समझिए कि ऐसे ही है, और बीएससी करने के बाद आप बिल्कुल जो है नाकारे समझ लीजिए कि आप हैं, बीएससी करने के बाद आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल सकती है। तो अगर आप जो है बीएससी कर रहे हैं तो आप अच्छे से कीजिए, ठीक है। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से कर ले रहे हैं, अच्छे कॉलेज से, ठीक है, जैसे कि आईआईटी हो गया, वहां से अगर आप कर लेते हैं तो आपका करियर बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी के साथ साथ आप ध्यान दें कि आपको जो है एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखनी जो है
आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप बीटेक नहीं कर पा रहे हैं, आप इतनी फीस जो है नहीं लगा पा रहे हैं, तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कम फीस में आप बीएससी भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी बीटेक में आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा खर्च लग रहा है, तो उतने ही फीस में जो है आप किसी एक्स्ट्रा स्किल्स में खर्च कर लेंगे तो आपका जो है डबल बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप बीटेक के बेसिस पर कहीं पर भी जॉब के लिए जाते हैं तो इसकी जो कैटेगरी होती है वो अलग होती है। ठीक है, यानी कि जॉब की कैटेगरी इसके बात करें तो ये इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएगा, और इंजीनियरिंग के फील्ड में जितने भी ऑप्शन होते हैं ये बीटेक करने के बाद मिलेगा, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है यहीं पर बीएससी कर लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीख लेते हैं, और इतने ही पैसे में यहाँ पर अगर आप बीएससी करते हैं तो आपके पास पैसे भी यहाँ पर बचेंगे, और उतने पैसे में आप कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी आप सीख लेंगे और आपके लिए जो है काफी बेहतर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि बीटेक करने वाले बच्चे के पास जो है टाइम बहुत कम होता है, उनके पास बहुत सारे कॉलेज जो भी करिकुलम होता है कॉलेज की तरफ से बहुत सारी चीजें जो है करवाई जाती है, तो मान सकते हैं कि बीटेक वाले बच्चों के पास जो है टाइम का बहुत इशू होता है, टाइम नहीं होता है, तो वो एक्स्ट्रा स्किल्स में जो है अपना टाइम नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आप जो है बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास जो है टाइम जरूर यहां पर बचता है और आप अपना एक्स्ट्रा स्किल्स में भी जो है टाइम दे सकते हैं। तो यहाँ पर बीएससी करने के बाद भी बहुत सारे करियर ऑप्शन होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो देखिए आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि ग्रेजुएशन मांग रहा है, आप उसके लिए जो है बिल्कुल इलिजिबल होते हैं, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। IIT से MSc करना चाहते हैं या फिर PhD करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप अच्छे कॉलेज से कर लेते हैं तो आपके लिए आपका करियर जो है और भी बेहतर हो सकता है। आप गेट की तैयारी कर सकते हैं एमटेक, या फिर जो है अगर आप एमटेक प्लस पीएचडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जो है बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपने मैथमेटिक्स से किया है, तो बहुत सारे बच्चे जो है एमटेक भी आगे करना चाहते हैं, तो आप जो है इसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है डिफेंस के फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीएड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कैरियर ऑप्शन आपको बीएससी के बाद जो है मिल जाता है। आप जो है अगर आप यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो इसमें सारी चीजें जो है आपका यूपीएससी भी आ जाएगा, बैंक आ गया, SSC, रेलवे, जितने भी आपकी गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकलती है उन सब के लिए जो है आप इलिजिबल हो जाते हैं, आप जो है तैयारी कर सकते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें बीटेक के लिए, ठीक है, तो बीटेक में जो है आपका ये जो बीटेक के बेसिस पर जो इंजीनियरिंग के लिए आपका जो जॉब होता है आप उसके लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी में भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीएससी करने के बाद जो है आपके पास कोई कैरियर ऑप्शन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, या फिर अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप जो है बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, बीएससी करने के बाद भी जो है आपका बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है एक चीज तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बीएससी कर रहे हैं तो करिए, लेकिन साथ साथ जो है आप एक्स्ट्रा स्किल्स पर भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप कंप्यूटर कोर्स सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्किल्स होती है, जैसे कि इंग्लिश का जो है आप अलग से कोर्स कर सकते हैं जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी। ठीक है, इससे भी जो है आपके रिज्यूम में ये चीजें ऐड होगी, तो अगर आप आगे फ्यूचर में जॉब के लिए जो है अप्लाई करते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये सब चीजें जो है आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सीखना है। कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से थोड़ा आप करेंगे तो आपके लिए जो है आपके फ्यूचर के लिए काफी बेस्ट हो सकता है। तो अगर आप जो है बीएससी करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेहिचक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।